नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। आपको हम दिखाएंगे किस तरह से कल यूपी के मुरादाबाद में डॉक्टर्स और पुलिस पर हमला करने वालों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन उससे पहले आपको ड्रोन से ली गई इस तस्वीर को दिखाते हैं जो उस वक्त घटना हो रही थी उस दौरान ये ली गई थी। एक ही परिवार के दो सदस्य की कोरोना से मौत के बाद मुरादाबाद का एक हॉटस्पॉट बन चुका है ये पूरा इलाका। और जब डॉक्टर्स की टीम और पुलिस की टीम यहां पर जांच के लिए पहुंची तो आप देखिए किस तरह से छत के ऊपर खड़ी ये महिलाएं, 1, 2, 3, 4 महिलाएं हैं जो छत के ऊपर से नीचे जो स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे हैं पूछे उन पर पत्थर बरसा रही हैं। और ये जानलेवा पत्थरबाजी के चपेट में आने से डॉक्टर समेत कई लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ड्रोन की तस्वीर से आप समझिए कि किस तरह से इस इलाके के लोग जिनकी मदद के लिए पुलिसकर्मी स्वास्थ्य कर्मी पहुंचे हैं उन पर जानलेवा पत्थरबाजी की जा रही है। और इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं हैं और यही वजह है कि 7 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया है और ड्रोन से ये तस्वीरें ली गई हैं। आप समझिए कि किस तरह से इस छोटी छोटी जो पतली गलियां हैं इन गलियों में जब डॉक्टर्स और पुलिसकर्मी पहुंचे तो उनके ऊपर इस तरह से हमले कर रही हैं ये 4 महिलाएं। देखिए पत्थर लेने जा रही है, पत्थर खत्म हो गया, फिर जाके पत्थर लेके आती हैं और उन पर निशाना साध के उन पर पत्थर बरसा रही हैं। मुरादाबाद का इलाका है, कल इसी जगह पर पुलिस की टीम पहुंची थी। दरअसल यहां पर एक शख्स की मौत हो गई थी, वो जमात से जुड़ा हुआ था, फिर उसके एक भाई की भी मौत की खबर आई, जिसके बाद यहां पर जो टीम थी स्वास्थ्य कर्मियों की टीम वो पहुंची थी।